हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। फॉर्मेट अलग होगा, दो कायरल कार्बन होगा और दोनों कायरल कार्बन पे जो ग्रुप लगा होगा वो सेम ग्रुप लगा होगा। मतलब दोनों कायरल कार्बन पे जो चार डिफरेंट ग्रुप लगा होगा, एक पे और दूसरे पे चार डिफरेंट ग्रुप होगा, बट ये दोनों आपस में सेम होगा। देखते हैं, दो कायरल कार्बन का केस हमने देखा था पिछले लेक्चर में, अभी हम देख रहे हैं दो कायरल कार्बन का ही बट टाइप थोड़ा अलग। केस टू, एक्स वाई जेड सी सी एक्स वाई जेड, मतलब ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है और इस पे जो तीन ग्रुप लगा हुआ है और इस पे जो तीन ग्रुप लगा हुआ है दोनों एग्जैक्टली सेम है, तब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होगा देखते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड है और नीचे में भी एक्स वाई जेड है, मतलब एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, मतलब इस कार्बन से जो तीन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक एक्स है एक वाई एक जेड। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आर हो। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एस और यहाँ पे एस, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ये आर हो एस हो एस हो, इसको अगर एक इंटरचेंज कर दें तो ये क्या हो जाए, एस हो जाए और ये आर हो जाए। यहाँ पे इंटरचेंज करें यहाँ पे इंटरचेंज ना करें तो ये हो जाए एस और ये हो जाए आर। यहाँ भी चार स्टीरियो आइसोमर्स देखने में तो यही लगता है, बट जरा गौर करो ये दोनों क्या होगा, क्या आइडेंटिकल होगा? नहीं होगा आइडेंटिकल, बट ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम है। कैसे? इसको ये ऐसा है ना, इसको ऐसे घुमाओ और इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो तो एस के ऊपर एस आ जाएगा, आर के ऊपर आर आ जाएगा, इसको ऐसे घुमा दोगे तब। अब तुम्हें लग रहा होगा सर पिछले लेक्चर में आपने ऐसा नहीं किया था, पिछले में इसलिए ऐसा नहीं किया था क्योंकि पिछला में ये एक्स वाई जेड था और ये पी क्यू आर था, तो जब ये एक्स वाई जेड था ये पी क्यू आर था, जब इसको ऐसे घुमाओगे तो एस के ऊपर एस तो चल जाएगा बट एक्स वाई जेड के ऊपर पी क्यू आर नहीं जा सकता है। बट यहाँ पे ऊपर में भी एक्स वाई जेड है, नीचे में भी एक्स वाई जेड है, तो इसको जब ऐसे घुमाओगे तो इसके ऊपर ये एस तो सुपर इम्पोज हो ही जाएगा, साथ साथ यहाँ पे एक्स वाई जेड पे ये एक्स वाई जेड भी आ जाएगा, मतलब कनेक्टिविटी भी यहाँ का और यहाँ का सेम, कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ का और यहाँ का सेम, तो इसको ऐसे जब घुमाओगे तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हुआ बट इसके ऊपर ये आर के ऊपर एस तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों अलग हुआ और ये दोनों आइडेंटिकल हुआ। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो गया, एक दो तीन, चार नहीं तीन, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब इसका चूंकि ये मिरर इमेज है इसलिए इस दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, इनेंसियोमर्स का। अब इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, या एक काम करते हैं इसको नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी, और इनफैक्ट ये भी सी ही है। तो अब जरा गौर करो, अगर हम इसको लिखें ए बी और नीचे सी, ए बी में क्या रिलेशन है, बी सी में क्या रिलेशन है, ए सी में क्या रिलेशन है, ए बी में रिलेशन है इनेंसियोमर्स का, बी सी में रिलेशन है क्या चीज़ का बताओ, बी और सी स्टीरियोसोमर्स तो है बट इनेंसियोमर्स तो नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डाइस्टीरियोमर्स। ए सी में क्या रिलेशन है, डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, मतलब ये दोनों इनेंसियोमर्स, ये एक अकेला कंपाउंड और इसका इसके साथ रिलेशन इनेंसियोमर्स का, सॉरी इसका इसके साथ रिलेशन डाइस्टीरियोमर्स का, इसका इसके साथ रिलेशन डाइस्टीरियोमर्स का और इस दोनों का आपस में इनेंसियोमर्स का रिलेशन है। अब देखते हैं ये जो तीन स्टीरियो आइसोमर्स हुआ है, एक्चुअली फार्मूला अगर देखो तो 2^n, जहाँ n नंबर ऑफ कायरल कार्बन होता है तो दो कायरल कार्बन तो चार होना चाहिए बट चार नहीं है, चार से कम हो गया है। चार तब होता है जब इधर जो जो ग्रुप लगा हुआ है इधर वहीं सब ग्रुप नहीं होता है तब। अब जरा गौर करना,
अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा स्टीरियोइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है, तो ये तो इनेंसोमेरिक पेयर ही है, तो ये तो एक्टिव ही होगा, ये एक्टिव नहीं होगा। देखो कई तरीका, एक तरीका ये, अगर ये एक्टिव होता ना तो इसका मिरर इमेज अलग होता, जबकि इसका मिरर इमेज कोई ऐसा बना नहीं, इसका मिरर इमेज तो ये बनेगा, इसका आर, आर का एस, और ये दोनों सेम है, मतलब इसका मिरर इमेज इसी के जैसा है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका गौर करोगे क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, या फिर छोड़ो प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो हम देखेंगे आगे जब हम टार्टरिक एसिड का एग्जांपल देखेंगे। तो जरा गौर करो यहाँ पे कौन कौन ग्रुप लगा हुआ है, एक्स वाई जेड ही लगा है, और नीचे में भी क्या लगा हुआ है, एक्स वाई जेड ही लगा हुआ है। अब जरा गौर करो, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये एक्स वाई जेड जुड़ा हुआ और एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे वाले से एक्स वाई जेड जुड़ा हुआ है और एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी वाइज इस कार्बन पे वही सब ग्रुप है, इस कार्बन पे वही सब ग्रुप है, तो ये कार्बन पीपीएल को जितना एंगल से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज ये कार्बन पीपीएल को उतना ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। कैसे, जरा गौर करो, कनेक्टिविटी चूंकि यहाँ पे जो जो ग्रुप लगा है यहाँ पे वही सब ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जितना से रोटेट करेगा ये एग्जैक्टली उतना से ही रोटेट कर देगा ये कार्बन पीपीएल को, लेकिन इसका कॉन्फिगरेशन आ रहा है और इसका एस है, तो ये जितना से क्लॉकवाइज करेगा ये एग्जैक्टली उतना से ही एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। एग्जैक्टली उतना क्यों, क्योंकि यहाँ का कनेक्टिविटी और यहाँ का कनेक्टिविटी सेम है, और चूंकि कॉन्फिगरेशन अलग है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ये क्लॉकवाइज करेगा। ये अगर ये जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज करे, ये क्लॉकवाइज भी कर सकता है रोटेशन, बट ये अगर क्लॉकवाइज किया तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये जितना से क्लॉकवाइज रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया ये उतना से ही उसका उल्टा डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ओवरऑल पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सेक्शन 10 डिग्री से क्लॉकवाइज तो ये सेक्शन 10 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल ये पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाया, मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ए क्या हुआ, ए और बी हुआ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, बट वहीं सी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जरा गौर करो, ये ऐसा कंपाउंड है जिस जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट काइरल कार्बन दो दो है, ऐसे को ही तो मीजो कंपाउंड बोलते हैं। मीजो कंपाउंड किसको बोलते हैं, वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो बट काइरल कार्बन हो, काइरल कार्बन होते हुए भी इनएक्टिव हो, उसी को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। तो ये सी जो क्या है, सी है मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, सी है मीजो कंपाउंड, मतलब अगर तुमसे पूछा जाए इस कंपाउंड का नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, एक दो तीन चार, चार नहीं तीन, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तीन, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स या नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर कितना हुआ, एक दो। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स या आइसोमर कितना हो जाएगा, एक। नंबर ऑफ डायस्टीरियोमेरिक पेयर कितना हो जाएगा, एक दो। नंबर ऑफ इनेंसियोमेरिक पेयर कितना, वन, एक ही पेयर है जो इनेंसियोमेरिक है, ठीक है। अब बताओ अगर इस तीनों कंपाउंड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, ये तीनों कंपाउंड एक किसी वेसल में पड़ा हुआ है, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो कितना फ्रैक्शन मिलेगा, नंबर ऑफ फ्रैक्शन। अब जरा देखो, हम जानते हैं कि ये दोनों इनेंसियोमेरिक पेयर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, और ये इसका इसके साथ रिलेशन डायस्टीरियोमर्स का है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मतलब इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक और इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग, कितना फ्रैक्शन मिल जाएगा, नंबर ऑफ फ्रैक्शन टू, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो, ठीक है। तो ये हुआ अगर एक्स वाई जेड फॉर्मेट का कंपाउंड हो तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स चार नहीं होता है,
तीन होता है, उसमें से दो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दो दो कायरल कार्बन होने के बावजूद भी इनएक्टिव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, अगर हमारे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसका कितना होगा। इसका दो तरीका है। मेथड नंबर वन, हम क्या करेंगे, इसका जितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है ना, पहले वो बना दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका कितना बनेगा, हमने बताया पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो बनेगा, एक सीस और एक ट्रांस। सीस हो गया और दूसरा क्या हो गया, ट्रांस। इसको ऊपर रखो और इसको नीचे रखो, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया। अब इसमें देखो कोई ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्या, कैसे चेक करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो जरा देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ से एक प्लेन ले जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस प्लेन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिकल है नहीं, ये ऊपर है या नीचे, कैसे सिमेट्रिकल हो जाएगा इस प्लेन के अबाउट ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक यहाँ देखो ये ऊपर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे होना चाहिए था, इधर है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। मतलब इस कंपाउंड में पी ओ एस नहीं है, सी ओ एस भी नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव। और जो ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब है कि इसका एक मिरर इमेज भी होगा, इसका एक मिरर इमेज भी होगा जो इसके जैसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये और एक इसका मिरर इमेज जो इसके जैसा नहीं होगा वो भी एक इसका स्टीरियो आइसोमर्स होगा। मतलब क्या हुआ, इसका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये एक्टिव है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा डीएल पेयर में। तो कितना स्टीरियो आइसोमर्स हो गया, नंबर ऑफ, अगर हम बोलें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जी आई इस कंपाउंड का कितना होगा, दो। बट अगर यही बोलें हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा, एक दो तीन, एक दो तीन। अगर हम ये बोलें नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, यहाँ जो डी है और एल है ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, दो। अगर हम ये बोलो, अगर हम ये बोलें नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स इस कंपाउंड का कितना होगा, एक। ठीक है, कई बार बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है ना, स्टीरियो मतलब एक्टिव, जरूरी नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स में तो ज्योमेट्रिकल भी होता है, नहीं। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स कितना, एक। ठीक है, एक ही ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्चुअली हम भूल गए बताना टार्टरिक एसिड वाला केस, तो उसको पहले ले लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट केस देखते हैं हम टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड बोलते हैं इस कंपाउंड को, ये सी ओ एच, इधर भी सी ओ ओ एच, यहाँ पे लगा दो एच ओ एच और यहाँ पे लगा दो एच ओ एच, यही है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, याद रखना इसका नाम। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा, जरा गौर करो, कौन वाला फॉर्मेट, सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच, यहाँ पे एच ओ एच, एच ओ एच। देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, कितना स्टीरियो आइसोमर्स होगा, तीन, है ना। एक्चुअली बना के देख लेते हैं, इसमें
एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा, ये सी ओ एच रहने दो, यहाँ एच ओ एच रहने दो, और इधर ओ एच और एच कर दो, और इधर सी ओ एच कर दो। ठीक है, क्या हमने किया, दोनों दो एच इधर था, दो ओ एच इधर, इसको क्या कर दिया हमने, बदल दिया, सॉरी ये ऐसे ही छोड़ दिया, नीचे वाले को बदल दिया। अब एक क्या करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़रा देखते हैं। अब मेरे को बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगर, या छोड़ो कॉन्फ़िगरेशन, बिना कॉन्फ़िगरेशन के भी हो जाएगा, या कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एक दो तीन आर, ये आर होगा, और ये क्या होगा, इसको देखोगे तो ये एस होगा, ये क्या होगा एज इट इज है तो ये आर हो जाएगा, और ये क्या होगा, इसको बदल दिया है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सोचो, लगता तो है कि दो और पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये सी ओ एच सी ओ एच, ये दोनों को इधर कर दो, ओ एच ओ एच, और इधर एच एच, और इसमें इस दोनों को इधर कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, सी ओ एच सी ओ एच, एच ओ एच और एच ओ एच। ज़रा गौर करना, बनाने का तो हमने चार बना दिया है, ये आर एस आर आर, और इसको इधर किए हैं तो ये बना है, मतलब ये एस और ये एस, इसको इधर किए हैं तो ये बना है, मतलब ये एस और ये आर, क्या चार स्टीरियोसोमर्स होगा, नहीं, क्यों, ये दोनों जो है आइडेंटिकल है, कैसे, इसको ऐसे घुमा दो ना, इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे है ना, इसको ऐसे घुमा के इसके ऊपर लेके जाके रख दो, सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक ही चीज़ है, अभी कुछ देर पहले आज ही अभी के ही लेक्चर में हमने बताया है, ठीक है, बट ये दोनों आर के ऊपर एस कभी सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों इनेंसियोमर है, इनेंसियोमर्स, कैसे, इनेंसियोमर्स कैसे हुआ, ज़रा गौर करना, इसका मिरर इमेज ये होगा, कैसे, यहाँ पे एक मिरर बनाओ, यहाँ पे, या यहाँ पे एक मिरर बनाओ, इसका इमेज बनाओ, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इनेंसियोमर्स, इनेंसियोमेरिक पेयर हुआ, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। टार्टेरिक एसिड का कितना स्टीरियोइसोमर्स होगा, नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड, नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स, स्टीरियोइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इस पे पूछते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स टार्टेरिक एसिड का तीन हुआ, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड कितना होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव दो, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव दो, और नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियोइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड एक। ये दोनों जो लिखे हैं, जिसको हम आइडेंटिकल लिखे हैं, एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कैसे, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और एक और चीज देख सकते हो, जैसा अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि ये वाला सेक्शन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को, तो ये वाला सेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और उतना ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ का कनेक्टिविटी और यहाँ का कनेक्टिविटी सेम है, इसलिए क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक्चुअली में ये दोनों इनेंसोमेरिक पेयर है, और ये क्या है, मीजो कंपाउंड है, तो नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर्स थ्री, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड कितना, एक, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियोसोमर्स एक, कौन, वही जो मीजो है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव आइसोमर्स कितना हो जाएगा, वन, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितना हो जाएगा, दो, नंबर ऑफ इनेंसियोमेरिक पेयर दो, कुछ और भी लिख देते हैं इधर, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इनेंसियोमेरिक पेयर वन, जबकि नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमेरिक पेयर कितना, दो। अभी इसके पहले एक्स वाई जेड, सी एक्स वाई जेड वाला फॉर्मेट का ही तो ये एग्जांपल है,
ठीक है। अगर हम इसका जो तीन स्टीरियोइसोमर है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करें तो कितना फ्रैक्शन मिलेगा, दो फ्रैक्शन मिलेगा, इनेंसोमेरिक पेयर एक साथ निकलेगा डायस्टेरोमर्स, और दूसरा जो मेजो कंपाउंड है वो अलग निकलेगा, मतलब वो अलग हो जाएगा, वो वेसल में रह जाएगा या पहले वहीं वेपर बन के निकल जाएगा, क्योंकि इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम और इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। ठीक है, अब मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।